काम मिल चुका है, फिलहाल कुछ डिलीवरियां है, लोकल की है, एक थोड़ा सा दूर की है, बाकी पिकअप है। मैं समझ नहीं पा रही कि ये ट्रक ड्राइवर करना क्या चाहते हैं, बिकॉज ये दो तीन बार पीछे लेके ऐसे फिर आगे लेके गए, या तो इन्हें यू टर्न मारना है या इन्हें बैकअप लगानी है। कंपनी में आ गई हूँ बट कंफ्यूजन ये है कि क्या ये कंपनी है क्योंकि इनकी पार्किंग यहाँ लग रही है और कुछ खास दिख नहीं रहा है यहाँ पे। डोर का तो इस कंपनी में कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा, मुझे लगता है दो ही डोर होंगी कभी पहले। ये देखो सामने बहुत ही हैवी है एक्चुअली, इसका वेट आई थिंक ये बता रहे थे 4000 पाउंड कुछ इसका वेट है, मतलब 2000 किलो के आसपास, 2500 किलो के आसपास का वेट था। अभी मैं थोड़ा सा ना ट्रक लगा के थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं लगातार डिलीवरी है ना एक करी उसके बाद दूसरी, मतलब बिल्कुल भी कहीं पे स्टॉप नहीं किया 2 मिनट के लिए। सो ये लोग कैसे खड़े हैं ना, मैं इनको ये देख रही हूँ कि इनको डर नहीं लग रहा होगा कि ये स्लिप हो जाएंगे या कुछ, मतलब मैं अगर वहाँ ऊपर सबसे यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे नीचे गिरने का तो बहुत डर लगेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं अपनी कार में बैठी हूँ, काम पे जाने लगी हूँ, इतनी तेज धूप निकल रही है ना कि सीधे ऐसे पड़ रही है, मतलब बहुत तेज आज धूप है। सो चलते हैं काम पर, देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। मुझे ना यहाँ पर जो फेडेक्स का ट्रेलर लग रहा है उसके साथ में ना बैकअप करना है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं बैकअप कैसे करूँ, बिकॉज यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन वालों की मशीन भी रखी हुई है। सो थोड़ा सा टफ हो रहा है, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा सा ही टफ हो रहा है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन की मशीन भी रखी हुई है, कोई आइडिया नहीं है कि कैसे, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ आगे ले जाके काफ़ी। होपफुली सही से बैकअप हो जाएगी। लगता तो है हो जाएगी, बाकी देखते हैं। मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो कर लूंगी मैं इसको ठीक सीधे ले जाके। थोड़ा सा ना इसको सामने ले जाके स्ट्रेट करना होगा। ओह माय गॉड, सच में इतना टफ था ना ये, बस ये जो मशीन रखी है ना इसकी वजह से। अभी जाके तो मुझे इसके डोर भी ओपन करने हैं। पहले यही रोक लेती हूँ, डोर ओपन करके आती हूँ, इसलिए बैकअप करने में आजकल इस कंपनी में यहाँ पे लगाना था जहाँ पे, बिकॉज ना ये जो है ये मशीन रखी हुई है, सो ये जब टर्न करते टाइम ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पर ट्रैफिक भी आता रहता है, उधर से भी ट्रक आते हैं, इधर से भी आते हैं, तो दिक्कत इसलिए आती है। कल अभी तो ऑलमोस्ट लग गया है, बस डोर ओपन करके आती हूँ ना। मैं कंपनी में जैसे ही आई और मैंने पंच इन करा तो डिस्पैचर ने मेरे को बोला, एक मतलब ट्रेलर का नंबर दिया, कहता यार्ड में से ढूंढ के ना उसको उस एक पास में कंपनी है वहाँ पे जाके ड्रॉप कर दो। तो मैं अभी बस वही ड्रॉप करके आई हूँ और अभी बैठी हूँ, देखती हूँ अभी कुछ देर में आ जाएगा फिर से कॉल और काम दे ही देगा वो। काम मिल चुका है, फिलहाल कुछ डिलीवरियाँ हैं, लोकल की हैं, एक थोड़ा सा दूर की है, बाकी पिकअप है। सो आज का बस यही काम है, लोकल का ही, डिलीवरीज और पिकअप का। मैं समझ नहीं पा रही कि ये ट्रक ड्राइवर करना क्या चाहते हैं, बिकॉज ये दो तीन बार पीछे लेके ऐसे फिर आगे लेके गए, या तो इन्हें यू टर्न मारना है या इन्हें बैकअप लगानी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इन्हें करना क्या एग्जैक्टली, आई थिंक इन्हें बैकअप लगानी है। सो और लगानी किधर है, बैकअप लगानी है इस पे आई थिंक, बट स्टिल आई एम कन्फ्यूज कि करना क्या चाहती थी ये थोड़ा सा, क्योंकि अगर बैकअप यहाँ पे लगानी थी तो यहाँ से करते बैकअप। ये कंपनी है, यहाँ पे डिलीवरी करनी है, कंपनी में आ गई हूँ बट कंफ्यूजन ये है कि क्या ये कंपनी है क्योंकि इनकी पार्किंग यहाँ लग रही है और कुछ खास दिख नहीं रहा यहाँ पे। सो अंदर जाके मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इनकी डोर कौन सी है, बिकॉज थोड़ी ऐसी सी ही कंपनी लग रही है,
जैसे होती नहीं छोटी छोटी सी कंपनियां या ऐसा कुछ। एंड ये स्ट्रीट भी यहाँ पर बंद हो रही है, ऐसे राउंड करके फिर से वापस चले जाओ। अंदर जाके देखते हैं क्या है इस कंपनी का हाल, कहाँ पर है इसकी डोर। डोर का तो इस कंपनी में कोई हिसाब किताब नहीं दिख रहा, मुझे लगता है दो ही डोर होंगी कभी पहले, और यहाँ पे ये कंटेनर परमानेंटली लगता है लगे हुए हैं। सो अब इनसे यहाँ पे अंदर जाके पूछना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये कहेंगे कि फोर्कलिफ्ट से उतारने वाला सीन कहेंगे, और कहेंगे जिगर नहीं है। सेम काफ़ी बार बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी ही होती हैं जिनका कोई डोर नहीं होती, वो यही कहती हैं कि तुम्हारे पास जिगर नहीं है, और अगर जिगर होगा भी तो मुझे चलाना ही नहीं आता। अंदर जाती हूँ कंपनी में। इस ट्रेलर के अंदर जो पैलेट था उसके ऊपर रिंग रखी हुई थी, तो पैलेट छोटा था और रिंग बहुत हैवी थी, मतलब पूरी लोहे की, बहुत जैसे होता नहीं है कोई टायर टाइप का रिंग थी, बहुत बड़ी रिंग। ऐसे पहले मुझे तो लगा टायर है, बट जब मैंने अंदर जाके देखा तो वो लोहे का था सारा, तो बहुत हैवी था वेट, एंड वो आ नहीं रही थी पैलेट जिगर में। सो इसलिए इनको ना ऐसे करके स्ट्रैप्स बांध बांध के उसको खींचना पड़ रहा था, सो दैट कि वो बाहर निकल आए और ये उस लोड को उतार सकें, बट बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। ये देखो सामने बहुत ही हैवी है एक्चुअली, इसका वेट आई थिंक ये बता रहे थे 4000 पाउंड कुछ इसका वेट है, मतलब 2000 किलो के आसपास, 2500 किलो के आसपास का वेट था। सो इस पैलेट में ये आ नहीं पा रहा था, एंड इस तरह ये लोग बहुत ट्राई कर रहे थे। इस पूरी डिलीवरी करने में आधे से पौन घंटा लग गया, जस्ट बिकॉज ऑफ एक रिंग के चक्कर में, इतनी हैवी होने के चक्कर में। I think it's too heavy, huh? Yeah. Hey, my God. मैंने अपनी सारी डिलीवरी फिनिश कर दिया, और इवन एक पिकअप भी कर लिया है। सो अभी सारी डिलीवरीज हो चुकी हैं, एक पिकअप हो चुकी है, अभी और भी पिकअप्स हैं। अभी मैं थोड़ा सा ना ट्रक लगा के थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैं लगातार डिलीवरी है ना एक करी उसके बाद दूसरी, मतलब बिल्कुल भी कहीं पर स्टॉप नहीं किया 2 मिनट के लिए भी। सो अभी तो मैं चाय पीऊँगी पहले, फिर आगे निकलूँगी थोड़ा, फिर आगे थोड़ा सा ही निकलूंगी, फिर से रेस्ट कर लूंगी, नहीं नहीं फिर आगे सेकंड पिकअप की तरफ चलूंगी। अभी पहले चाय पीती हूँ और उसके बाद सेकंड पिकअप पे जाती हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ एक कंपनी में, उसके सामने यहाँ पर इतने सारे लोग ये इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, जो ये बना रखी है छत होती है जो भी इनकी, मतलब छत तो नहीं कह सकते, जैसे कि वो इनने झोपड़ी टाइप में बना रखा है, तो उसकी जो भी ईंटें लगा रखी होंगी या जो भी मेंटेनेंस चल रही है। सो ये लोग कैसे खड़े हैं ना, मैं इनको ये देख रही हूँ कि इनको डर नहीं लग रहा होगा कि ये स्लिप हो जाएंगे या कुछ, बट इन्होंने यहाँ पर रस्सियाँ बांध रखी हैं, ये इनकी सारी एक दूसरे के साथ ही वायर्स बंधी हुई हैं, इससे ये बंधे हुए हैं। सो गिरने का तो डर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब मैं अगर वहाँ ऊपर सबसे यहाँ पर खड़ी हूँ तो मुझे नीचे गिरने का तो बहुत डर लगेगा। लेकिन ये लोग कितने प्रोफेशनल होंगे ना, कितने ढंग से कर रहे हैं, इनको पता है कि ये गिरेंगे भी नहीं।
ये मैं अपनी कंपनी के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर ना बहुत सारे ट्रक और ट्रेलर करके ना ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं और फिर इनके सड़क, जैसे कि ये भी अभी वेट कर रहे हैं अपने टर्न की, सो ऐसे ना बहुत मतलब वेट करना पड़ता है सड़क पर ही, बिकॉज यहाँ पर ना पहले सिक्योरिटी करवाने पड़ती है, अपनी सिक्योरिटी चेक ना जो भी है, जो भी ड्राइवर अंदर जाते हैं पहले सिक्योरिटी वाला उनका देखता है कंपनी नेम सब कुछ, फिर उसके बाद उन्हें एंटर करने देता है। सो आई थिंक अब ये जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी। अभी मैं अपने अपार्टमेंट पे हूँ बिकॉज आज मैं काम से थोड़ा जल्दी आ गई थी, आज काम भी कम था इसलिए जल्दी आ गई। सो अभी बस रेस्ट कर रही हूँ और थोड़ी देर तक सो जाऊँगी एंड इस ब्लॉग के एंड में यहाँ कर लगे। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।